मनेंद्रगढ़ वन मंडल से चलकर 11 हाथियों का दल कोरिया वन मंडल पहुंच गया है। वहीं देवगढ़ रेंज के बाद सलबा सलका क्षेत्र में हाथी दल की खबर लगने से वन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। खुद डीएफओ प्रभाकर खलखो ने वन विभाग की टीम के साथ सलबा सलका समेत आसपास क्षेत्र के दर्जनों गांव पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी है कि हाथी दल के विचरण के आसपास लोग ना जाएं और हाथी के झुंड से छेड़छाड़ ना करें। इसके आगे उन्होंने कहा कि हाथियों के दल से किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है और हाथी दल पर निगरानी रखी जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक कोरिया से हाथी दल का वापस प्रस्थान होता है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। वन मंडल में अभी मनेंद्रगढ़ से होते हुए तिलहारी से होते हुए हमारे यहाँ 11 हाथियों का दल आया है और 11 हाथियों का दल आज सलवा बीट में है। तो हमारे वन विभाग के कर्मचारियों और हाथी मित्र दल के द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया जाता है। अभी मैं 7 गांव में घूम के आई हूँ तो हमने प्रचार प्रसार किया और ग्रामीणों से अपील की कि हाथियों से छेड़छाड़ ना करें और किसी भी तरह से उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। और हमारी ग्रामीणों से यही अपील है कि लोग भी सुरक्षित रहें और हाथी भी सुरक्षित रहें।